जय श्री राम। सभी मित्रों को राम राम। मैं राजीव कुमार द्विवेदी शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज की स्थिति अगर देखी जाए शिक्षा मित्रों की, तो हमें लगता है कि दुनिया का सबसे मजबूर और सबसे दयनीय स्थिति का एक प्राणी बन चुका है। शिक्षा मित्र समाज की न्यू माननीय कल्याण सिंह के समय पड़ी थी और केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अगर हम अपनी बात करते हैं तो जब हमारा शिक्षा मित्र के पद पर चयन हुआ था, उस समय मेरी एज 18 वर्ष थी। हमारे पास कई विकल्प और भी आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे हम समाज के न्यू डाल सकते हैं, कह सकते हैं राष्ट्र का निर्माण करने में हमारा योगदान रहेगा। हमें सबसे बड़ा ईश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसी जगह पर भेजा। लेकिन जिस स्थिति से आज ये समाज गुजर रहा है, उस स्थिति को देखते हुए हमारे आदरणीय जनप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी को विचार करना चाहिए कि प्राथमिक की शिक्षा और जूनियर की शिक्षा, प्राथमिक में शिक्षा मित्र, जूनियर में अनुदेशक, जितनी मेहनत से लगन से हमारे नौनिहालों को शिक्षा दे रहे हैं, एक तरफ वही शिक्षक जो 50 से 60 हज़ार रुपये लेता है और एक तरफ वही शिक्षक 7 हज़ार और 10 हज़ार में पूरा दिन काम करता है, नौनिहालों को शिक्षा देता है और अपने बच्चों को घर पे भूखा देखता है। आज हमारी स्थिति यह है कि हम दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा मित्रों और निदेशकों को राजनीति का शिकार बनाया गया, ये भी हम भी जानते हैं। हमने सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सर्च किया है, हमने देखा है कि जो नॉन शिक्षा मित्र या नॉन अनुदेशक हैं, चाहे वो बीएड के लोग हों, चाहे वो बीटीसी के लोग हों, चाहे वो कोई और भी लोग हों, वो शिक्षा मित्रों के नाम से अपनी आईडी बनाते हैं, अनुदेशकों के नाम से अपनी आईडी बनाते हैं, उनके नाम से ग्रुप बनाते हैं और राजनीति करते हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए। क्योंकि देखिए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक एक ऐसा प्राणी है जो राजनीति में कभी नहीं जा सकता है। हमारा काम है नौनिहालों को शिक्षित करना, राष्ट्र का निर्माण करना। ईश्वर ने जो हमें काम दिया है, हम बखूबी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने बच्चे भी देखने, अपना परिवार भी देखना है। हमारे कई शिक्षा मित्र साथी, अनुदेशक साथी ऐसे हैं जो बेचारे घर से भूखे आते हैं, हम प्रत्यक्ष दिखाते हैं, बेचारे भूखे आते हैं और स्कूल में आकर MDM खाते हैं, ये स्थिति है उनकी। होली दीपावली जैसे त्योहारों पे बच्चों के कपड़े नहीं बन पाते बेचारों के। कहने के लिए तो शिक्षक हैं हम। चाणक्य ने कहा था कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। ऐसी स्थिति में हमारा दिमागी संतुलन भी हमेशा ख़राब रहता है कि हम यहाँ शिक्षक के रूप में हैं, यहाँ शिक्षित करते हैं बच्चों को और हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, हम उनके लिए 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। हमारा निवेदन है महंत जी से, जनप्रिय नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है तो हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि प्लीज़ इन शिक्षा मित्रों को राजनीति के द्वेष से बचा लीजिए, इनका राजनीतिकरण मत होने दीजिए। आप, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, लेकिन इनको राजनीतिकरण मत करिए और ना होने दीजिए। एक आप ऐसे, आप ही नेता हैं, कहते हैं सन्यासी के लिए दोस्त और दुश्मन दोनों बराबर होते हैं, सन्यासी का कोई दुश्मन नहीं होता संसार में। हालांकि जो अन्य पार्टियां हैं वो हम लोगों का मामला लेकर उठाती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हो गए या उसी पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। विपक्ष का काम होता है कि दूसरों की बात उठाना, वो हमारी उठाते हैं, चलिए ठीक है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए इस समय आप ही सब कुछ हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इन शिक्षा मित्रों, इन अनुदेशकों, इन मजलूमों, जो बेचारे, अगर हम कहें, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो शिक्षा मित्र होते हुए बेचारे आज इस दिन भर तो स्कूल में पढ़ाते हैं, शाम को सब्जी बेचते हैं, दिन भर स्कूल में पढ़ाते हैं, शाम को किराए का ऑटो रिक्शा चलाते हैं, दिन भर सब्जी बेचते हैं, शाम को जाके खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। महाराज जी, आपसे निवेदन है कि इन दुखियारों का भी आप दुख दूर करें। अगर ऐसा ही रहा और ऐसा ही चलता रहा
तो ये भी हम कहेंगे कि बहुत दिन दूर नहीं है कि जब शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति संविदा पर नौकरी करना नहीं चाहेगा। आज जो स्थिति इन लोगों की हम देखते हैं, हम जाते हैं जिस भी स्कूल में जाते हैं, जिस भी मित्र से मिलते हैं और उसके गांव में जाते हैं, तो उसकी स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। आदमी की तीन मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो भी नहीं होगा उसके पास, तो बेचारे के जीवन का क्या अर्थ रह जाता है। एक विद्यालय में, एक क्लास में एक बच्चे को दो व्यक्ति पढ़ाते हैं, एक को आप 50 से 1,60,000-70,000 रुपये देते हैं, और एक जो दूसरा बेचारा मेहनत करता है उसको 7,000, 9,000, 10,000। ये वाकई बहुत ही दयनीय स्थिति है। कुछ नहीं तो समान कार्य के लिए समान वेतन आप कर दें, या अपने स्तर से जो भी आप कर सकते हैं वो आप इन लोगों के लिए करें। हमारी आपसे गुजारिश है, और इनका राजनीतिकरण ना होने दें। बस आपसे हमारा हाथ जोड़ के ये विनती हम करते हैं आपसे, इनका राजनीतिकरण ना होने दें। किसी भी पार्टी को ऐसा मौका ना दें कि वो इनके ऊपर राजनीतिक अपनी रोटियां सेक सके। तमाम पार्टियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इन लोगों को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, कि वो जल्द से जल्द कोई अच्छा निर्णय लेंगे। ये हमारा विश्वास और पूरे श्रमित समाज और निर्देशक समाज का ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जरूर उनका उनके साथ न्याय होगा। क्योंकि जिस कुर्सी पर अगर महंत बैठा है, अगर उसके राज्य में अन्याय होता है तो ये बहुत ही दुखदायी होता है। हमें नहीं लगता है कि एक महंत के राज्य में कभी भी किसी के साथ अन्याय होगा। राम राज्य की परिकल्पना की गई है, तो राम राज्य में हमें नहीं लगता है किसी के साथ अन्याय होगा। हमारी आपसे विनती कि इन लोगों के साथ न्याय करिए, इनका सम्मान वापस करिए, माता जी रक्षा करें। और आप सबके लिए माननीय योगी महाराज जी से हम निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा भी ध्यान रखें, क्योंकि हम शिक्षा मित्र आज इस कैटेगरी में ऐसी लाइन पे हो गए हैं कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, कि हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे हो, बच्चों की शिक्षा कैसे हो। लेकिन हमारा एक लक्ष्य था कि हमने स्कूल में जब ज्वाइनिंग किया था तो हम लोगों ने एक ऐसे ऐसे विद्यालय हमको दिए गए थे जहाँ विद्यालय बंद थे, MDM की कोई गुणवत्ता नहीं थी, शिक्षा में भी कोई गुणवत्ता नहीं थी, और बच्चों के नामांकन की भी प्रक्रिया बहुत धीमी थी। लेकिन जब से हम लोगों का समायोजन हुआ था तो हमने पूरा मनोबल से अपना कार्य किया, बच्चों में गुणवत्ता लाए, MDM भी जो है, और आज भी उसी मनोबल के कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। हमारा निवेदन एक ही है महाराज जी से कि हमारा भी कल्याण करें। इसी के साथ हम अपनी बात को बंद करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी भी प्रार्थना स्वीकार की जाए।